गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आज का सीन कुछ ऐसा है, आज होने वाली है दिक्कत हमारे ऑफिस में, क्योंकि मानसी का फ़ोन आ गया अभी, तो वो अभी आ नहीं रही है, तो आज तो सारे दिन ऑफिस में लगने वाला है। आप अपनी चाय बना लो। बना रहे हो? ऑरेंज को मत जगाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो रात को 2 बजे सोया था एडिटिंग करके। फ्रेंड चाय आ गई है, चाय आ गई है, अब करेंगे चाय का नाश्ता करके फटाफट ऑफिस के लिए निकलते हैं, जल्दी जल्दी। तो पॉलिश कर रहे हो, दिखे पता नहीं चले सबको कि पॉलिश कर रहे हो। भाई किसी और के साथ कर रहा हूं, अपने कर रहा हूं मैं। 2000 साल से जूते ऐसे ही पड़े हैं भाई, क्या करें भाई, आज जूते पहन लेते हैं, बहुत ज्यादा चप्पलों में थे। अच्छा आज कहीं पहने इतने दिनों से। हाँ बोल, दर्द चाय पी ली? हाँ मैं पी ली। क्या हो रहा है बता? हाथ में दर्द हो रहा है यहाँ पर। पूछ, बोलूं कि डॉक्टर से पूछेंगे कहाँ पे दर्द हो रहा है? बगल का बर्तन मैं खुल गया, खुल गया ये ऐसे करके ऐसे। तो अब दर्द कैसा है वैसे, हाथ का अभी कुछ फर्क पड़ा? हल्का सा फर्क पड़ा, खुलेगा जब पता चलेगा। अच्छा अब कैसा है अब बता। मम्मी बिल्कुल ही मतलब हल्का हल्का है, अभी गया नहीं, चला जाएगा कोई नहीं, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। वेरी गुड। लेकिन पहले तो ना बिल्कुल हिलाया नहीं आ रहा था, बिल्कुल हिलाया जा रहा है। वेरी गुड, चलो अब हिलाया जा रहा है ना। 1:30 बज गया, चलो मैं लंच लेके आती हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है। आज तुम्हारा फेवरेट बना है बैगन का भरता? हाँ बहुत टेस्टी। चलो तो अब 2 बज गए, सबको खिला दिया, मैं भी खाना खाती हूँ, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ घर पे खाना खाने के लिए, और वंशिका ने अभी पता नहीं क्या खा लिया, हरी मिर्च खा ली, क्या खा लिया? बैगन का भरता। इतनी मिर्च कैसे हो गई? लग रही है। सब खा रही है? कौन सी हरी सब खा रही है? ग्रीन वाली? ओहो तो इतनी तेज मिर्च क्यों खा ली हरी मिर्च? इसकी हालत खराब हो रही है। चीनी खिला भाई, जल्दी से चीनी खिला। हो गया नॉर्मल? हाँ। चलो अच्छी बात है, नॉर्मल हो गया था। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं घर पे, और खाना खाना है अभी। वो लड़की जो आई है ऑफिस में नई, नेहा, तो अभी उसका फर्स्ट डे है, तो उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको अभी इतना काम आता नहीं है ना। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. गाइस अभी लंच करने के बाद वंशिका वंश को पढ़ा रही है, और लंच करने के बाद ना हल्की हल्की सी नींद सी आ रही है सुबह, तो अभी आधा एक घंटा देखो थोड़ी सा रेस्ट करके फिर शाम की चाय का टाइम हो जाएगा। तो अभी तो ये है कि मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों का मैं सोचती हूँ जिनको आगे करियर में डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए ना अभी काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि स्कूल में अगर ढंग से पढ़ाई नहीं होगी तो आगे करियर चुनने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो मे भी ये सब जल्दी सही हो जाए, सब जैसे पहले था वैसे ही हो जाए, तो फिर अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर इनकी पढ़ाई करने के बाद थोड़ी भूख लग जाएगी, फिर ये मुझे ही उठाएंगे, तो इसलिए चलो फिर इनको पढ़ने देते हैं। अभी बस आई 1 घंटे की नींद लेके मैं अभी उठी हूँ। वंश भी मेरे साथ ही सो गया था, क्योंकि ये रात को भी लेट सोया था, और फिर अब रात को आज भी लेट सो गया, क्योंकि एडिटिंग यही करता है, तो 12 बज ही जाता है। तो वंशिका यहाँ पे कपड़े तय कर रही है, अभी चाय बना लेना वंशिका, ठीक है? चाय बना ली हूँ, क्योंकि 5 बज गए हैं और चाय का टाइम हो गया है। बस चाय आ गई है, चाय पीते हैं। ये वंशिका की कैसे है? अगर मैं ख़राब होता तो फोन में आती तू? हाँ फिर ऐसे है तो फिर तो पहले करके गए, तो फिर क्यों आई? आपने बुलाया हम चले आए। अच्छा सही है ना, अभी खुद ही बुराई कर रही है, खुद ही तारीफ कर रही है ना, खुद ही बुराई कर रही है और खुद ही तारीफ कर रही है, देख लिया बढ़िया। आप बताओ फ्रेंड्स आपका क्या हाल चाल है? घर से बाहर निकल आई फिर तू? तू तो घर से बाहर निकल आई क्योंकि आपने बुलाया था इसलिए मैं आ गई। ओह अच्छा, मेरे बुलाने से या घर से ही बाहर निकल आई? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मन लगा के काम करो, मेहनत से काम करो। तो
नहीं काम तो करना जरूरी है भाई, खाली बैठने से काम चलेगा नहीं ना कुछ भी, तो काम करना तो बहुत जरूरी है। हाँ सेफ्टी भाई, सेफ्टी भी अपनानी है, मास्क लगा के रखते हैं। वो तो अभी वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए अभी हम बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अभी हम तीन जो नहीं है इसलिए मास्क नीचे हो गया, नहीं तो हम पूरे दिन मास्क ऊपर रखते हैं बिल्कुल। अब मास्क बिल्कुल भी नीचे नहीं रहता हमारा, मास्क हमेशा ऊपर रहता है, नीचे कैसे रहेगा। दो बार चालान कट चुका है हमारा बेकर मास्क के चक्कर में, मास्क हल्का था यहाँ तक था तो 2000 का चालान कट गया, दो बार कट चुका है इसलिए हम मास्क हमारा हमेशा ऊपर ही रहता है, हमेशा हमारा मास्क ऊपर ही रहेगा। ठीक है नेहा, ओके। हाँ नेहा जी कहाँ से भटक के आए हो? कहीं से भटकती नहीं आई। अरे बताओ तुम यहाँ पे काम कर रही थी तो वो वहाँ पे तो तुम्हारा मालिक मारेगा नहीं मारेगा? नहीं नहीं मारेगा, हमारा तो नहीं मारेंगे, देख ले पक्का है अपना आके देख ले क्या, नहीं मारेगा ना, फ्रेंड्स नहीं मारेंगे, टेंशन मत लो। हाँ टेंशन मत लो, असल में ये पहले काम करके जा चुकी है तो इसको काम वगैरह आता है, इसलिए इसका फ़ोन करा था, तो सुबह फ़ोन किया था तो तभी आ गई थी। ये उस टाइम सो रही थी तब सोते सोते ही आ गई है, जरूरत के टाइम पे जो आ जाए वही। हाँ ये बात तो है। अभी मम्मी पापा गए हुए हैं शॉप पर और दीदी और मैं खेल रहे लूडो। मम्मी पापा शॉप पर गए हुए हैं तो इसलिए बोर हो रहे थे, हम सोच रहे कि लूडो खेला जाए, तो हम लूडो खेल रहे हैं, देखता कौन जीतता है। वैसे ज्यादातर तो मैं जीतता हूँ, मैं जीतती हूँ, ये हारने वाले हैं, मैं जीतती हूँ, हारने वाले हैं ये, मैं जीतती हूँ, ये झूठा है, मैं जीतती हूँ। अभी आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में कौन जीता है। हमारा सीन है ये, ना एक मेरा आ रहा है ना एक उनका आ रहा है, एक ही नहीं आ रहा जब से। सारे नंबर 6, 6, 5, 4 सब आ रहा है लेकिन एक नहीं आ रहा, मेरा एक आता ही नहीं, तीन फिर से गाइस हमारा एक आ ही नहीं रहा। तो गाइस मैं जीत गया हूँ। हाँ क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आप? वैसे तो मैं जीतती हूँ, गलती से जीत गया। हाँ सही बात है, गलती से जीत गया, ये गलती से जीत गया, गलती से जीता तो हूँ ना। हे गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, आगे से आगे लोगों को बचाएं ताकि लोग भी देख सके कि हम लॉकडाउन में क्या क्या कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली का एंजॉय करो, जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकलो, ये सेफ्टी अपने हाथ में है, सुरक्षा भी अपने हाथ में है, अपना परिवार की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, और अपने बच्चों घर में जो भी बड़े हैं बूढ़े हैं उनकी भी देखभाल करो, ज़्यादातर उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अभी कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि हमारे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, देखिए हम क्या क्या अपने जो भी जिंदगी में जो भी आम जिंदगी में हमारी होता है ना उसको हम किस तरीके से जीते हैं ये थोड़ा सा आपको बताएं कि क्या होता है मिडिल क्लास की लाइफ में। ज़्यादा हम कोई मतलब कि ये नहीं करते कि कुछ ज़्यादा शो ऑफ करें किसी चीज़ का, बस जो नॉर्मल लाइफ है ना वही दिखाते हैं और वही दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। तो अभी अभी मैं ऑफिस से आई थी, नीचे से अभी आए हैं और बच्चों के लिए ले आई थी मैं टिक्की भी बहुत दिन से बाहर का नहीं खाया था बहुत दिन से खाया नहीं था बाहर का, वही खाना है कुछ बाहर का खाना है, बहुत दिन से बाहर का नहीं खाया था तो जीप लपलपा रही थी इनकी तो घर की रोटी खा के ना बोर हो गए थे, तो ये अभी इनके लिए बाहर से मैं जब टिक्की पीस वाला खड़ा था तो मैंने कहा टिक्की पीस ले चलते हैं, थोड़ा मुँह चटपटा हो जाएगा, और अपने लिए भी खाए भाई, बहुत दिनों से नहीं खाया, गोलगप्पे का पानी बड़ा मजा आता पीने में, गोलगप्पे का पानी पीने बड़ा मजा आता है चटपटा मुँह तो करना ही चाहिए ना, रोज वही घर का रोटी सब्जी खा के बहुत दिनों से खाए नहीं। हाँ बहुत बड़ा फीका हो रहा मुँह, तो हम भी गोलगप्पे खाए हैं वैसे गोलगप्पे खा आ गए हैं गोलगप्पे। हाँ बहुत दिन से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, बाहर तो जाते नहीं, ये बच्चों को हम घर से बाहर बिल्कुल निकालते ही नहीं है, घर में ही रहते हैं, नहीं बच्चों को अलाउड नहीं बाहर भेजता नहीं हम बिल्कुल भी, और हम ही जाते हैं बाहर जो भी सामान वामान लेने, तो वहाँ टिक्की पीस वाला खड़ा हुआ था तो मैं सोचा कि टिक्की ले चलते हैं, फिर थोड़ा चटपटा सा बजाएगा बाहर का खा के बोर हो गए थे खा खा के। खाना जरूर है खाना जरूर है चटपटा तो भैया क्या करें,
इंडियंस को चटपटा ना खाए तो गुजारा नहीं है ना। दिल्ली वाले तो वैसे ही, दिल्ली वाले तो वैसे ही चटकारे लेने वाले, चटकारे देने वाले हैं, बाहर का खाने वाले। तो आज का ब्लॉग हम अपना यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नई सुबह एक नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज। कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे कल यानी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।